हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोन के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि नेफ्रोन होता क्या है। नेफ्रोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये किडनी की काम करने वाला जो हिस्सा है वो है नेफ्रोन, ठीक है। और हर एक किडनी के पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ नेफ्रोन प्रेजेंट होता है, अप्रोक्स, ठीक है। तो ये बात होगी नेफ्रोन की। अब इसकी बात कर इसके फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो नेफ्रोन का काम क्या होता है? नेफ्रोन बेसिकली ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब ब्लड जो है रीनल आर्टरी के थ्रू नेफ्रोन के अंदर एंटर होता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और बाय डिफ्यूजन वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब केमिकल जो प्रोसेसेस हैं, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, इन प्रोसेसेस की हेल्प से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है और यूरिन फॉर्म हो जाता है, और फिर वो आगे कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रीनल पेल्विस, यूरेटर और ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है नेफ्रोन के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। बेसिकली नेफ्रोन के दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल को हम माल्फिजियन कॉर्पसल भी बोलते हैं, और इसमें मेनली ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आते हैं। बोमेंस बोमेंस कैप्सूल क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस क्या है? हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और ये मतलब रीनल आर्टरी जब ब्लड सप्लाई करती है इधर, तो इट सप्लाई एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब वो एक जैसे आर्टरीज, आर्टेरियोल देन कैपिलरीज, ऐसे बनता है ना। तो आर्टेरियोल के फॉर्म में ये यहाँ पर वोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर करता है और एक ये कैपिलरी लाइक नेटवर्क बना लेता है, तो जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस नेटवर्क की हेल्प से क्या होता है, जो हायर एटॉमिक मास के जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर अंदर स्ट्रक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे मतलब आगे फिल्टर आउट नहीं होते, ठीक है। मतलब जो हायर एटॉमिक मास के सब्सटेंसेस होंगे वो इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर स्ट्रक हो जाएंगे। फिर आगे क्या होता है? आगे जो ये ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट का मतलब होता है टू द, मतलब टूवर्ड्स, एंड इफरेंट यानी कि अवे, अवे फ्रॉम द मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। इफरेंट आर्टेरियोल जो है आगे हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है? पीसीटी, लूप ऑफ फेनले एंड डीसीटी। पीसीटी, पीसीटी स्टैंड फॉर प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। देन लूप ऑफ फेनले, लूप ऑफ फेनले दो टू पार्ट्स में कह सकते हैं कि हम ये डिवाइडेड है। वन इज डिसेंडिंग लिम एंड अनदर वन इज असेंडिंग लिम, ठीक है। एंड देन थर्ड पार्ट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये आ गए हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनमें बेसिकली जो ये तीनों चीजें हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इनका अलग अलग फंक्शंस होता है, फंक्शन होता है यूरिन के फॉर्मेशन में और ब्लड के फिल्ट्रेशन में। लाइक पीसीटी जो होता है मेनली सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ पर सोडियम की एब्जॉर्प्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लूप ऑफ हेनले में मेनली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और डीसीटी में भी मेनली वाटर की होती है। और भी लाइक हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होती है। बट फॉर द ओवरव्यू दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रोन, स्ट्रक्चर एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ द नेफ्रोन। तो हमें फंक्शन समझने के लिए ये पहले पता होना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। और इसके अलावा हम इसके ब्लड सप्लाई की एक बारी बात कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले रीनल आर्टरी के थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरी लाइक नेटवर्क बनता है। देन वहां पर जो हायर एटॉमिक मास के जो
सब्सटेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो फिल्टर मतलब वो वहीं पर स्टक होकर रह जाते हैं और वो आगे नहीं जाते. देन बाकी का जो ब्लड है या बाकी का जो हमारा फिल्ट्रेट बचेगा इफ्रंट आर्टेरियोल के थ्रू, वो आगे टिब्यूल्स में ब्लड सप्लाई करेगा, लाइक फॉर डीसीटी लूपोफेनले एंड देन पीसीटी. और लूपोफेनले में एक स्पेशल नेटवर्क बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा. बेसिकली यहीं पर लाइक ये ब्लड को सप्लाई भी करता है और यहाँ पे ये ड्रेन आउट हो रहा है ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे से वो ड्रेन आउट हो रहा है और वो रीनल वेन के थ्रू वापस इन्फीरियर वीना कावा में मतलब जा रहा है. सो दिस इज द नेफ्रोन, बेसिक ओवरव्यू ऑफ नेफ्रोन, नॉट द कंप्लीट नेफ्रोन. तो अब हम इसके बाद बात करते हैं दो तो हम बात करते हैं मतलब कितने टाइप्स के हमारे नेफ्रोन होते हैं. जो नेफ्रोन है वो दो टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, कि वो किस रीजन में प्रेजेंस है. कॉर्टिकल नेफ्रोन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन. कॉर्टिकल नेफ्रोन नाम से ही पता चल रहा है, जो नेफ्रोन नेफ्रोन का जो मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रोन. और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन, जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर और मेडुलरी मेडुला. हमने दो पार्ट्स पढ़े थे किडनी के, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. जो नेफ्रोन का पार्ट कॉर्टेक्स में ज्यादा प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रोन. और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन, जक्स्ट्रा मतलब नियर, मेडुलरी मेडुला, जिस नेफ्रोन का पार्ट मतलब मेजर पार्ट जो है मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन. अब इनको हम डिफरेंस के वे में पढ़ेंगे. सो कॉर्टिकल नेफ्रोन जो है वो 80-85% प्रेजेंट होता है, मतलब ऑफ टोटल नेफ्रोन, मतलब जो ज्यादातर नेफ्रोन है वो कॉर्टिकल नेफ्रोन होते हैं एंड 15-20% आर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन. ठीक है, अभी मैंने यही बताया मेजर पोर्शन जो है कॉर्टेक्स में है और जक्स्ट्रा मेडुलरी का मेजर पोर्शन मेडुला में है. इसमें और क्या डिफरेंस है, कॉर्टिकल नेफ्रोन का जो लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, और प्रेजेंट इन द अपर मेडुला. ठीक है, देन जक्स्ट्रा मेडुलरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन डीप मेडुला. जक्स्ट्रा मेडुलरी का जो लूप ऑफ हेनले है उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है और वो डीप मेडुला के अंदर प्रेजेंट है. कॉर्टिकल नेफ्रोन्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन, जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रोन्स हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में काम करते हैं और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन्स हैं ये मतलब हायर एक्टिविटी या फिर जब हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हो उस टाइम ये काम करते हैं. और ये इनका जो मेन काम है ये यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन में ये काम आते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन डिफरेंस इन द टाइप ऑफ नेफ्रोन. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए. सो जो अब नेक्स्ट चीज है दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. जक्स्टा मैंने आपको भी बताया दैट इज नियर, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस मतलब यानी कि नियर द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के पास. एपरेटस यानी कि जो फंक्शनिंग यूनिट है. तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है बेसिकली ये तीन चीजों से बना है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स एंड लेसिस सेल्स. ठीक है, तो अब हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपको दिख ही रहा है दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, दिस इज द ग्लोमेरुलर्स और दीज आर द एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, दिस इज द पीसीटी. तो ये बेसिकली क्या है, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता कैसे है, ये बनता है जब डीसीटी और जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो कनेक्ट हो रहा हो. ठीक है, दिस फॉर्म्स द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में अभी हमने बताया कि तीन पार्ट्स होते हैं, तीन या फिर तीन तरह के सेल्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है.
नंबर वन इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं उनका काम क्या होता है बेसिकली. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आर हैव द बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं. बैरो रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज सेल्स विच डिटेक्ट द प्रेशर. बैरो रिसेप्टर्स वो सेल्स हैं जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं. अब जैसे एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है हमारे कैपिलरी लाइक नेटवर्क में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर भी तो जनरेट होगा क्योंकि ब्लड आ रहा है. और मतलब अगर वो प्रेशर से आ रहा है तो उसको जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं. बिकॉज जैसे कि आपको दिख ही रही है उस इस एपरेट ग्लोमेरुलस के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में है, तो जैसे ही यहाँ पर अगर कोई प्रेशर का चेंज होगा तो ये जो सेल्स हैं ये इसको फटाफट डिटेक्ट कर लेंगे, है ना. और तो ये प्रेशर चेंज के बारे में बताते हैं, ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लेसिस सेल्स. लेसिस सेल्स क्या होते हैं. लेसिस सेल डिस्कस करने से पहले हम मैकुलर डेंसर सेल्स डिस्कस करते हैं. मैकुलर डेंसर सेल्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज कीमो रिसेप्टर्स. यहां मैं लिख रही हूं कीमो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स की तरह ये एक्ट करते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सोडियम और क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. अगर सोडियम क्लोराइड की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रही होगी तो ये उसको डिटेक्ट करने का काम करेंगे. ओके ठीक है. तो ये हो गया हमारे मैकुलर डेंसा सेल्स. एंड जो अब हमारे लेसिस सेल्स क्या काम करते हैं. लेसिस सेल्स जो है वो बेसिकली मैकुलर डेंसा सेल्स और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के बीच में है, जैसे कि आपको दिख रहा है लेसिस सेल्स इन द सेंटर ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैकुलर डेंसा सेल्स. तो लेसिस सेल्स क्या करते हैं, ये मतलब जो मैकुलर डेंसा सेल्स ने जो डिटेक्ट करा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं. बिकॉज ये ट्रांसफर करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है. और एक और चीज, जो इस एपरेटस का जो फंक्शन है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का जो फंक्शन है, इट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करना. यानी कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो रेनिन, ये एक एंजाइम है, इसको ये स्टिमुलेट या फिर कह सकते हैं रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेनिन है इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं. तो यही ये एक फंक्शन हो गया. दोबारा से हम डिस्कस करते हैं. जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है इट कंप्राइजेज ऑफ थ्री सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुलर डेंसा सेल्स एंड लेसिस सेल्स. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं दे एक्ट एज बैरो रिसेप्टर. बैरो रिसेप्टर इन द सेंस दे डिटेक्ट द प्रेशर. प्रेशर को ये डिटेक्ट करते हैं जो कि ग्लोमेरुलस में अगर कोई प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं तो, ठीक है. मैकुलर डेंसर सेल्स क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड की जो प्रोडक्शन है, कंसेंट्रेशन है, उसको ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. जब ये डिक्रीज सोडियम क्लोराइड होगा जब ये सेल्स उसको सेंस कर लेंगे, ठीक है. लेसिस सेल्स क्या होते हैं, लेसिस सेल बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का काम करते हैं. जैसे कि मैकुलर डेंसर सेल्स ने मान लो सोडियम क्लोराइड को डिटेक्ट करा तो वो इस इंफॉर्मेशन को जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स तक मॉड्यूलेट कर देंगे, ठीक है. यानी कि सोडियम और क्लोराइड का जितना लोड है लेसिस सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है. तो इससे क्या होगा, जो रेनिन की जो सिंथेसिस है ना वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स करते हैं, ठीक है. तो जो मैकुलर डेंसा सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर रहे हैं
और लेसी सेल्स जो है उस इन्फॉर्मेशन को जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो रेनिन की रेनिन को रिलीज कर रहे हैं ताकि ये ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सके. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक. थैंक यू.